अहम खबर ये आई है कि समझौता एक्सप्रेस पटरी पर चढ़ गई। समझौता एक्सप्रेस लाहौर रेलवे स्टेशन से मुसाफिरों को लेकर रवाना हो गई। पाक भारत कशीदगी के बाद समझौता एक्सप्रेस को रोक दिया गया था। अहम खबर ये आई है कि समझौता एक्सप्रेस पटरी पर चढ़ गई। समझौता एक्सप्रेस लाहौर रेलवे स्टेशन से मुसाफिरों को लेकर रवाना हो गई। पाक भारत कशीदगी के बाद समझौता एक्सप्रेस को रोक दिया गया था, लेकिन आज बिलाखिर समझौता एक्सप्रेस मुसाफिरों को लेकर भारत के लिए रवाना हो गई है। समझौता एक्सप्रेस पटरी पर चढ़ गई। लाहौर न्यूज़ की टीवी स्क्रीन पर आप ये लाइव मनाजिर देख सकते हैं। समझौता एक्सप्रेस लाहौर रेलवे स्टेशन से मुसाफिरों को लेकर भारत के लिए रवाना हो गई। पाक भारत कशीदगी के बायस समझौता एक्सप्रेस को रोक दिया गया था, लेकिन मुसाफिर आप देख सकते हैं हाथ हिलाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि वो अपने वतन वापस जा रहे हैं। भारत के लिए समझौता एक्सप्रेस को रवाना कर दिया गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे शाहज़ेब शहज़ाद से। जी शाहज़ेब। जी बिल्कुल, पाक भारत कशीदगी की वजह से समझौता एक्सप्रेस की सर्विस को 28 तारीख को मुअत्तल कर दिया गया था, जो कि आज फिर से बहाल हो चुकी है। इसलिए समझौता एक्सप्रेस जो है वो लाहौर से इंडिया के लिए जो है वो रवाना हो चुकी है। और इसके अंदर अगर मुसाफिरों की तादाद के हवाले से बात की जाए तो आमतौर पर जो है वो जब हमारी रेलवे हुकाम से बात हुई तो उनका ये कहना था कि आमतौर पर 45 से 50 मुसाफिर होते हैं, लेकिन आज जो है वो तकरीबन 150 के करीब मुसाफिर जो है वो यहाँ से इंडिया के लिए रवाना हो रहे हैं। तकरीबन 1 घंटे का सफर तय करती हुई ये ट्रेन जो है वो अटारी के रास्ते फिर वाघा बॉर्डर और फिर ये जो है वो इंडिया पहुंचेगी। इसके साथ साथ ये कि जब हमारी यहाँ पे मुसाफिरों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि उनके दोनों ममालिक के अंदर रिश्तेदार और अजीज व अकारिब रहते हैं, हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, जिसकी वजह से इनका आना जाना हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान लगा ही रहता है। इसीलिए जो है इनकी अपील थी कि अल्लाह हुकाम से भी कि ये आपस में अमन कायम रखे और जंग को ये कभी भी पसंद नहीं करते। एक ही करीबन 150 के करीब मुसाफिरों को लेकर समझौता एक्सप्रेस रवाना हो गई। शुक्रिया शाहज़ेब शहज़ाद।